दोस्तों, शिखर सम्मेलन 2023 एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है जिससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, और वे सभी क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंदर क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में देखने के लिए मिलेंगे, तो एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यहां पर बात हुई है G7 शिखर सम्मेलन 2023। 2023 के अंदर G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जापान के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब G7 से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को भी एक बार डिस्कस करते हैं। जैसे 2023 के अंदर G7 का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? तो ये 49वां संस्करण आयोजित होने वाला है। बात करूं G7 की तो इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है ग्रुप ऑफ सेवन। इसकी अगर स्थापना आपसे पूछता है तो G7 का गठन आपको बताना है 1975 के अंदर किया गया था। इसी के साथ इसके कुछ सदस्य देश भी हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन बनता रहा है। G7 के सदस्य देश हो जाते हैं ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसी के साथ बात करूं, ये तो था G7 शिखर सम्मेलन 2023 जिसकी मेजबानी जापान के द्वारा की जाएगी। लेकिन 2022 में जो G7 शिखर सम्मेलन हुआ है उसकी मेजबानी भी तो किसी देश के द्वारा की गई होगी, तो उसकी मेजबानी की थी जर्मनी ने। तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो 2023 के अंदर जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है उसकी मेजबानी हाल ही में फिजी देश के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फिजी वही देश है जिसकी राजधानी का नाम सुवा हो जाता है। बात करूं विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की, तो 2023 के अंदर इसका 12वां संस्करण आयोजित हुआ है जो कि फिजी देश के अंदर हुआ है। और अगर आपसे थीम के बारे में पूछता है तो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में थीम रही है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अब ये तो था 12वां संस्करण जो कि 2023 में आयोजित हुआ है। बात करते हैं 11वें संस्करण की। तो 11वां संस्करण विश्व हिंदी सम्मेलन का 2018 के अंदर मॉरिशस में आयोजित किया गया था, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। बात करूं पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ, तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 के अंदर नागपुर के अंदर किया गया था, यह चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 के अंदर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 15वां संस्करण आयोजित होने वाला है जिसकी मेजबानी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं ब्रिक्स के सदस्य देशों के बारे में। तो ब्रिक्स के कुछ सदस्य देश हैं जो कि आपको इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे बी से हो जाता है आपका ब्राजील, आर से हो जाता है रूस, आई से हो जाता है इंडिया, सी से हो जाता है चाइना और एस से हो जाता है आपका साउथ अफ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका। तो ब्रिक्स के ये 5 सदस्य देश हैं और इन्हीं के पास क्रमवाइज सदस्यता हर साल आती रहती है। बात करूं 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 के अंदर कहां किया गया, तो इसका आयोजन चीन के अंदर हुआ था, ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है? तो 2023 के अंदर 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन मलेशिया की राजधानी कोलालंपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात आसियान की हुई है तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को की गई थी। मुख्यालय इसका इंडोनेशिया के जकार्ता में हो जाता है। वर्तमान में आसियान के अध्यक्ष हैं ली सिन लुंग। इसी के साथ महासचिव हो जाते हैं लिम जोक होई। और वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या भी कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है, तो इसके सदस्य देश हैं 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 जिसे आप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सम्मेलन 2023 के नाम से भी जानते हैं, इसका आयोजन हाल ही में कहां पर हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 के अंदर कराया गया है उसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इसी से आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। यहां पर तो बात हुई है COP 23 की, तो COP 23 तो आपका संयुक्त अरब अमीरात में हुआ ही है और इसी के साथ आपको कवर करना है COP 28 शिखर सम्मेलन 2022 के अंदर कहां पर किया गया था। तो इसका आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख नामक शहर में किया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 को कहां पर संबोधित किया है? तो वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वाराणसी के अंदर संबोधित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहां पर बात हुई है टीबी की, तो आपको टीबी से पता ही होगा भारत ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का भी लक्ष्य रखा है, तो ये चीज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है?
तो 2023 के अंदर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जल सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस सम्मेलन के अंदर भारत की तरफ से अध्यक्षता की है गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने, जो कि भारत के जल शक्ति मंत्री भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहां पर किया है? तो रायसीना डायलॉग 2023, इसका 2023 के अंदर 8वां संस्करण आयोजित किया गया है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली के अंदर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं इस ओकेजन में मुख्य अतिथि कौन रहे, तो इसके अंदर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई जियोर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। और इस रायसीना डायलॉग 2023 की जो थीम रही है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो थीम रही है इसकी प्रोवोकेशन अनसर्टेनिटी ट्रिबुलेंस लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। इसी के साथ बात करूं रायसीना डायलॉग 2022 के अंदर कहां आयोजित हुआ था, तो 2022 के अंदर जो रायसीना डायलॉग हुआ उसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो 2023 के अंदर G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता और कोई नहीं अपने भारत देश के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं 2023 में G20 का कौन सा संस्करण आयोजित होगा, तो ये होगा आपका 18वां संस्करण। इसी के साथ इसका लोगो भी आपसे पूछा जा सकता है, तो लोगो में आपको ध्यान रखना है खिलता हुआ कमल इसका लोगो हो जाता है। इसकी इस बार थीम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थीम हो जाती है वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ये सभी फैक्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था 18वां संस्करण G20 का, जो कि 2023 में आयोजित होने वाला है। इससे पहले 17वां संस्करण G20 का 2022 के अंदर इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ है? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस शिखर सम्मेलन का ये 22वां संस्करण आयोजित हुआ है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। सतत विकास शिखर सम्मेलन की दृष्टि से अगर आप इस बार की थीम देखते हो, तो थीम हो जाती है मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रिजिलेंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेजबानी जो है वो जर्मनी के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस सुरक्षा सम्मेलन के अंदर भारत की तरफ से अध्यक्षता की थी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 कहां पर आयोजित हुई है? तो इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन जो है वो नई दिल्ली के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस समिट की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। बात करूं 2023 में कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था, तो इस ग्लोबल बिजनेस समिट का 2023 के अंदर 7वां संस्करण आयोजित किया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ इसकी थीम भी देख लेते हैं, तो इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट की जो थीम रही है उसका नाम हो जाता है रिजाइलेंस इन्फ्लुएंस डोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम विकसित देशों में 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है कतर की राजधानी दोहा में। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव अखंडता पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा संस्थान करेगा? तो इसकी मेजबानी हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो डिजिटल स्वास्थ्य पर होने वाला एक वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 के अंदर नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जो भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, इन्होंने ही इस सम्मेलन को संबोधित भी किया है। और इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि इस सम्मेलन का विषय या सब्जेक्ट क्या रखा गया है, तो सब्जेक्ट हो जाता है टेकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू द लास्ट सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो इस कार्यक्रम का आयोजन भी भारत के नई दिल्ली शहर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब यहां पर बात हुई है इंटरपोल की, तो इंटरपोल से आपको ध्यान रखना है, इसकी पूरी फुल फॉर्म हो जाती है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। बात करूं इंटरपोल की स्थापना कब हुई, तो 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका फ्रांस के लियोन शहर में हो जाता है। बात करूं वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, तो वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष हैं अहमद नासर रईसी। इसी के साथ इसके सदस्य देशों की संख्या हो जाती है 195। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां वन्य जीव सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? 2022 के अंदर विश्व वन्य जीव सम्मेलन का 19वां संस्करण आयोजित किया गया है, जिसका आयोजन पनामा के अंदर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस वन्य जीव सम्मेलन का पहला सम्मेलन जो है वो 1975 के अंदर आयोजित किया गया था, जबकि भारत इसके अंदर 1976 में भागीदार देश बना था।
इसी के साथ बात करूं 18वां विश्व वन्य जीव शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो यह 2022 के अंदर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित हुआ था, और 2022 के अंदर 19वां संस्करण हुआ है जो कि पनामा के अंदर हुआ है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 के अंदर 17वां संस्करण आयोजित किया गया है और इसका आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ बात करूं इस सम्मेलन के अंदर मुख्य अतिथि कौन रहे, तो मुख्य अतिथि रहे थे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। इसी के साथ इसकी थीम भी देख लेते हैं, थीम रही है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्राम इन अमृतकाल। इसी के साथ विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए थे सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति, जिनका नाम हो जाता है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है, तो विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय मंत्रिपरिषदीय बैठक में भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की है, तो इस बैठक के अंदर भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा अध्यक्षता की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन को नोट करके चलना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो 2023 के अंदर SCO के शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा ही की जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित होगा, संघाई सहयोग संगठन का 2023 के अंदर 23वां ही संस्करण आयोजित होने वाला है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ बात करूं इसके 22वें संस्करण की, तो संघाई सहयोग संगठन का 22वां संस्करण 2022 के अंदर उज्बेकिस्तान के समरकंद नामक जगह पर हुआ था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब ये तो बात थी संघाई सहयोग संगठन के संस्करण से, एक बार संघाई सहयोग संगठन के बारे में बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। जैसे स्थापना हुई 2001 में, मुख्यालय हो जाता है चीन की राजधानी बीजिंग के अंदर। वर्तमान में SCO के सेक्रेटरी जनरल के पद पर व्लादिमीर नोरोव जी को तैनात किया गया है और SCO के वर्तमान महासचिव हो जाते हैं झांग मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहां पर किया गया है, तो इस पर्यावरण सभा का आयोजन हाल ही में केन्या की राजधानी नैरोबी के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस सभा के अंदर भारत की तरफ से अध्यक्षता की थी भूपेंद्र यादव जी ने, जो कि भारत के पर्यावरण मंत्री भी हो जाते हैं, और इस सभा के लिए ही एक थीम रखी गई है जिसका नाम हो जाता है एम्पावरिंग नेचर एक्शन टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगर बात करूं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का गठन कब हुआ, तो इस सभा का गठन जून 2012 में किया गया था, ये भी काफी इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहां पर किया है, तो वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं बिम्सटेक मंत्रिस्तरीय बैठक 2023 कहां पर आयोजित हुई है, तो बिम्सटेक की 19वीं बैठक 2023 के अंदर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के अंदर आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस बैठक की अध्यक्षता की है डॉन परमद विनाई जी ने, और इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति हो जाते हैं राजकुमार रंजन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादक पदार्थ तस्करी पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की है, तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता हाल ही में अमित शाह जी के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस सम्मेलन के अंदर मादक पदार्थ की तस्करी पर रोक लगाने पर बल दिया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली लेबर 20 जिसे आप L20 की बैठक के नाम से जानते हैं, इसकी बैठक 2023 के अंदर कहां पर आयोजित की गई है, तो लेबर 20 की पहली बैठक का आयोजन 2023 के अंदर पंजाब के अमृतसर नामक शहर में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में नौसेना कमांडरों का प्रथम सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया है, तो 2023 के अंदर नौसेना कमांडरों का पहला शिखर सम्मेलन जो है वो INS विक्रांत नामक स्वदेशी पोत पर ही किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और इस सम्मेलन का आयोजन अरब सागर के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 की मेजबानी किस देश ने की है, तो क्वाड ग्रुप के जो सदस्य देश हैं उन सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी 2023 के अंदर भारत देश के द्वारा ही की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता की है एस जयशंकर जी ने, जो कि भारत के विदेश मंत्री भी हो जाते हैं, और इस बैठक का आयोजन हुआ है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ है, तो 2023 के अंदर राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का 23वां संस्करण आयोजित किया गया है, और इसका आयोजन गोवा के अंदर हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक 2023 में कहां पर आयोजित की गई है? तो ये क्वेश्चन दो तीन बार रिपीट भी हो चुका है और कई बार मैं आपको इस क्वेश्चन को करा भी चुका हूं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में वस्तु एवं सेवा कर, जिसे आप GST के नाम से भी जानते हैं, GST परिषद की 29वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो 2023 के अंदर GST परिषद की जो 29वीं बैठक हुई है उसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और इस बैठक का आयोजन नई दिल्ली के अंदर ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो 2023 के अंदर भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो अमिताभ कांत जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका आयोजन मुंबई के अंदर किया गया था, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो 2023 के अंदर राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का 30वां संस्करण अहमदाबाद के अंदर आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला 20 बैठक 2023 कहां पर आयोजित की गई है? तो G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला 20 बैठक 2023 का आयोजन जो है संभाजीनगर में आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता कहां पर आयोजित हुई है? तो भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली 7वीं रक्षा वार्ता का आयोजन नई दिल्ली के अंदर ही किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस रक्षा वार्ता में भारत की तरफ से अध्यक्षता की है भारत के रक्षा सचिव अरमाने गिरिधर जी ने, और श्रीलंका की तरफ से इसमें अध्यक्षता की थी जनरल कमल गुणरत्ने ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन जो है वो राजस्थान के जयपुर शहर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो प्राकृतिक खेती पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का उद्घाटन जो है वो अनुसुईया उइके जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए टेस्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर हुआ है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, अस्ताना, ग्लासगो, कोपेनहेगन या फिर दुबई। और इसकी जो थीम रही है वो मैं आपको बता देता हूं। इसकी थीम रही है सेविंग फ्यूचर गवर्नमेंट। इसको आप करेक्ट कर लेना, ये शेपिंग नहीं सेविंग है, सेविंग। संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक 2022 की मेजबानी किस शहर ने की है? तो इस बैठक की मेजबानी भी मिस्र के शर्म अल शेख शहर के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन की 90वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने की है? तो इस महासभा की मेजबानी भी भारत के द्वारा ही की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये तो थी 90वीं महासभा, लेकिन अगर बात करूं 91वीं महासभा जो 2023 में होने वाली है, इसकी मेजबानी वियना के द्वारा की जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आने वाले एग्जामों में बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो 2022 के अंदर नाटो शिखर सम्मेलन का 32वां संस्करण आयोजित किया गया है, जो कि मेड्रिड के अंदर आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं नाटो की, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, जिसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हो जाता है। संस्करण इसका 32वां हुआ और वर्तमान में नाटो के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम हो जाता है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और 2023 के अंदर नाटो शिखर सम्मेलन की अगर बात करूं, तो 2023 में नाटो का जो शिखर सम्मेलन होगा वो लिथुआनिया के विल्नियस नामक शहर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, जिसे आप इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस 2022 के नाम से भी जानते हैं, इसका 110वां संस्करण जिनेवा के अंदर आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इस संस्करण के अंदर भारत की तरफ से अध्यक्षता की थी भूपेंद्र यादव जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया गया है? तो क्वाड लीडर्स का शिखर सम्मेलन 2022 के अंदर जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित हुआ है? तो इस शिखर सम्मेलन का आयोजन डेनमार्क के अंदर आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता करने वाले हो जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? तो इस बैठक का आयोजन पाकिस्तान के इस्लामाबाद शहर में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली G20 शेरपा बैठक 2022 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो G20 शेरपा बैठक 2022, इसकी मेजबानी हाल ही में उदयपुर के द्वारा की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
और भारत के जो G20 के शेरपा हैं उनका नाम हो जाता है अमिताभ कांत। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसकी अध्यक्षता हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी हो जाती है सियोल। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की यहाँ पर बात कर रहा है। 2022 के अंदर बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कोलंबो के अंदर किया गया था और 2022 में ही इसका 5वां संस्करण आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ पर आयोजित की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है और इसकी अध्यक्षता आर के सिंह के द्वारा की गई है। तो फ्रेंड्स, अब तक आपने जितने भी शिखर सम्मेलन कवर किए हैं उन सभी शिखर सम्मेलन के अंदर से आपको कुछ क्वेश्चंस का टेस्ट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। यहाँ तक आप अपने 2023 तक जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं वे सभी डिटेल वाइज कवर कर चुके हो। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं रक्षा वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, हैदराबाद, नई दिल्ली, कोलंबो या फिर जयवर्धनपुराकोटे। और इस रक्षा वार्ता के अंदर मैं आपको बता दूं, भारत की तरफ से अध्यक्षता की थी भारत के रक्षा सचिव अरमाने गिरिधर जी ने और श्रीलंका की तरफ से अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति हो जाते हैं जनरल कमल गुणारत्ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, केरल, गोवा, पंजाब या फिर असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जापान, मिस्र, फ्रांस या फिर भारत? तो इसी के साथ यदि आपको वीडियो पसंद आई हो या फिर आपको इसका कंटेंट पसंद आया हो या फिर आपको मेरे बताने का तरीका ही पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए आप रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।